रिलीजियस का भी एक सवाल है, रेब्रिकेट टीचर्स का भी, विपक्ष के तौर पर बताइए, क्योंकि उस समय आप बंधे हुए थे एलजी के लिए। आपको कहा कि जब हम लोग कभी बंधे नहीं थे, हम लोगों ने हमेशा से कंस्ट्रक्टिव भूमिका में काम किया है, हम लोग करेंगे, सशक्त विपक्ष के रूप में काम करेंगे। आपको आप मसले हल होंगे या आप वहीं पर तारीख पे तारीख देने वाले? कोई तारीख नहीं होती, हमारे पास तारीख एक बार दी गई है तो उसको पूरा करेंगे। आपने डीडीसी में भी तारीख दी थी डेली वेजेस को, अभी तक वो तारीख नहीं है। हम लोग आपको कह रहे हैं कि हम लोग हर कार्य करेंगे और एक सशक्त भूमिका में। आप मुद्दे गिना दीजिए ना, क्या क्या लेकर आप विपक्ष के तौर पर जाएंगे? अभी हम लोग बैठेंगे, मैं एज ए कार्यकारी अध्यक्ष, पहले तो आप सत्ता के लिए सोच रहे थे। एक कार्यकारी अध्यक्ष सिंगली अपने ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, हमारी पूरी टीम बैठेगी और आपके साथ बैठेंगे। यानी जब भाजपा विपक्ष में आएगी तभी मसले हल होंगे, ये कहना चाहते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग पक्ष में थे तभी मसले हल हुए हैं। दरबार मूव की प्रक्रिया जब समाप्त हो रही थी तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया था, क्या विपक्ष का किरदार निभाते हो, एलजी का ही विरोध करने वाले उस फैसले का, जब विधानसभा के यहाँ पर सेशन लगे? दरबार मूव की प्रक्रिया को समाप्त करना, व्यापारी वर्ग को समाप्त? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सशक्त भूमिका निभाई है, चाहे हम लोग पक्ष में थे चाहे हम लोग विपक्ष में हैं, केंद्र में भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन अब वो नेता कौन होगा जम्मू क्षेत्र से जो विपक्ष का किरदार निभाने वाला है? मेरे सच जी हैं, सच जी क्या लगता है किस नेता पर निर्णय हुआ है, क्योंकि संशय के बादल अभी मंडरा रहे हैं, वहां पर तो तैयारियां हो चुकी हैं सत्ता पक्ष की, आपकी क्या तैयारी? ऐसा है कि जल्द बैठक होगी लीडर ऑफ पार्टी को लेकर, अपोजिशन पार्टी को लेकर, हमारी पार्टी का ही लीडर जो है चुना जाना है, वहाँ पर हमारे एमएलए भी बैठेंगे, पार्टी के दो सीनियर्स नेता जो हैं केंद्र की तरफ से माननीय प्रहलाद जोशी जी और माननीय तरुण चुग जी तय हुए हैं, क्योंकि चुनाव है महाराष्ट्र में, लेकिन जल्द ही वो उनका यहाँ पर आगमन होगा। टीम के साथ मिलकर तय होता है, हमारे यहाँ से कोई ऊपर से थोपा नहीं जाता, जो यहाँ पर डिसीजन होगा पूरी टीम मिलकर तय करेगी, वही तय होगा और उसके बाद जो भी तय होगा आप लोगों को जल्द बता दिया। भाजपा कार्यालय से हुंकार भरी गई थी डोगरा सीएम की, लेकिन अब वो डोगरा सीएम ना रहते हो, आप लोग ऑपोजिशन में बैठने वाले, तो ऑपोजिशन का किरदार कैसे निभाने वाले, कौन से मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिससे आप बताने वाले हैं कि जम्मू क्षेत्र को अब ये चाहिए? 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है, एक विधान एक निशान एक प्रधान के अंतर्गत ये चुनाव हुआ। 26% लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरी है। कुछ परिस्थितियां रही परमुटेशंस कम्बिनेशन के चलते, आज हम लोग विपक्ष में हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल हमारे विधायक प्ले करेंगे, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हमारे विधायक यहां पर काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दे अलग अलग से लेकर होंगे और हम लोग तो चाहेंगे कि जो भी कंस्ट्रक्टिव वातावरण में यहाँ की एक रिक्वायरमेंट है, एक शांति का माहौल यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते सरकार जाने के बाद बना है, एक डेवलपमेंट का वातावरण जो है वो बना है, कभी आप देखेंगे कभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में अगर पिछले 20 वर्ष पूर्व जाएंगे तो आप लोगों को ध्यान में आएगा कि आज कैसा वातावरण बना है, चाहे वो केंद्र की सरकार के माध्यम से था चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से था, लेकिन यहाँ तक एक विपक्ष की भूमिका है, वो हम लोग जो हैं एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करेंगे, एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम करेंगे, इसमें कोई दो। उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं स्टेटहुड के मसले पर, आपका क्या तर्क है, क्या ये सही समय है स्टेटहुड के लिए? ये केंद्र का विषय है, केंद्र सोच विचार के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने समय समय पर अपने भाषणों में बात कही है और माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी इस विषय को लेकर बात कही है, उचित समय आने पर डेफिनेटली स्टेटहुड मिलेगा। उन्होंने अपनी बात माननीय होम मिनिस्टर साहब के सामने रखनी थी, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ रखनी थी, वो रखी है उन्होंने, और जब भी कोई उचित समय आएगा मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, डेफिनेटली 29 सीटों के साथ ही आपके साथ वोटों की बरसात हुई है, कुछ तो ऐसे नेता रहे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है वोटिंग सिस्टम में, लेकिन आज जो जनता है जिन्होंने आपको वोटों से नवाजा है वो एक शिकायत भी कर रही है, शायद वो वोटों में नहीं दिखा था, वो कह रहे हैं कि दरबार मूव की प्रक्रिया जब समाप्त हो रही थी तब आप लोगों ने विरोध नहीं किया था, क्या विपक्ष का किरदार निभाते हो, एलजी का ही विरोध करने वाले उस फैसले का जब विधानसभा के यहाँ पर सेशन लगेगा? ऐसा है कि एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट प्रोग्रेसिव सरकार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी दी, एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रोग्रेसिव तरीके से यहाँ पर वातावरण में उन्होंने काम किया है,
यहाँ तक प्रश्न कुछ ऐसी बातों का है जिनके ऊपर डिस्कशंस होनी है, जिनके ऊपर डिस्कशंस होंगी। मेरा मानना है कि अच्छे वातावरण में एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक अच्छे विपक्ष का रोल भारतीय जनता पार्टी, नहीं लगता है कि दरबार मूव की प्रक्रिया को समाप्त करना व्यापारी वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सशक्त भूमिका निभाई है, चाहे हम लोग पक्ष में थे चाहे हम लोग विपक्ष में हैं। केंद्र में भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम लोग जो हैं। सवाल वही रहेगा सर जी, नहीं नहीं सुनिए, डेली वेजेस का भी एक सवाल है, रेब्रिकल टीचर्स का भी, विपक्ष के तौर पर बताइए, क्योंकि उस समय आप बंधे हुए थे एलजी के लिए। आपको कहा कि जब हम लोग कभी बंधे नहीं थे, हम लोगों ने हमेशा से कंस्ट्रक्टिव भूमिका में काम किया है, हम लोग करेंगे, सशक्त विपक्ष के रूप में काम करेंगे। आपको आप मसले हल होंगे या आप वहीं पर तारीख पे तारीख देने वाले? कोई तारीख नहीं होती, हमारे पास तारीख एक बार दी गई है तो उसको पूरा करेंगे। आपने डीडीसी में भी तारीख दी थी डेली वेजेस को, आप, वो तारीख आप, नहीं है। हम लोग आपको कह रहे हैं कि हम लोग हर कार्य करेंगे और एक सशक्त भूमिका में। मुद्दे गिना दीजिए ना, क्या क्या लेकर आप विपक्ष के तौर पर जाएंगे? अभी हम लोग बैठेंगे, मैं एज ए कार्यकारी अध्यक्ष, पहले तो आप सत्ता के लिए सोच रहे थे। एक कार्यकारी अध्यक्ष सिंगली अपने ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, हमारी पूरी टीम बैठेगी और आपके साथ बैठेंगे। यानी जब जब भाजपा विपक्ष में आएगी तभी मसले हल होंगे, ये कहना चाहते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग पक्ष में थे तभी मसले हल हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज विपक्ष में भी है, हमारी भूमिका कंस्ट्रक्टिव ही रहेगी, हमारी भूमिका सशक्ति रहेगी और पहले भी वैसा ही रहता था। आइए, आज हम सब विलय दिवस मना रहे हैं आपके साथ, अपोजिशन के तौर पर देखने वाले हैं भाजपा के तमाम विधायकों को, ऐसा कहना है सत शर्मा जी का। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि जहां से हुंकार भरी गई थी डोगरा सीएम के लिए, वहां पर अब विपक्ष का किरदार निभाना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। और सबसे बड़ी सवाल है कि जो मसले एलजी प्रशासन के तौर पर भी रहे, वही मसले जो है एक बार फिर से यहाँ पर रहने वाले।